में कुछ बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं रोशनी सिंह। मैं सबसे पहले शुभकामना देना चाहती हूँ इस पूरी टीम को, ऐसा प्यार कहाँ, जैसा कि नाम से ये है कि ऐसा प्यार कहाँ। तो ऑब्वियसली आप जाके देखिएगा, कुछ नया ही आपको देखने को मिलेगा। अभी तक तो कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो खुद पता ही है कि वुमेंस कितना आगे जा चुका है, ये भी कहने की बात है। स्पेस पे, अंतरिक्ष में पायलट है लेडीज़, नहीं अब रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, हमारा देश भी बहुत आगे जा चुका है। तो ऐसा नहीं, जैसे कि गुरमेहर कौर को ट्रोल किया गया सोशल मीडिया में, बद्दी बद्दी गाली दी गई, आप क्या कैसे देखते हैं इस तरह के जो मीडिया सोशल मीडिया में दिया है? सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है कि मैं कुछ और कह सकती हूँ और सामने वाला कुछ और बोलता है, तो डिफरेंट मैन, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट थॉट्स। राज मूवी एंटरटेनमेंट की ये पेशकश, ऐसा प्यार कहाँ मूवी में आज त्रिशा स्टूडियो में इसका मुहूर्त हो रहा है, और मैं जितेंद्र जी और आर्यन जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ इस मूवी की सफलता के लिए, और सक्सेसफुल आगे बढ़े और बार बार इस स्टूडियो पे मूवी लेके आए हैं। धन्यवाद। माय सेल्फ दिलीप गुलाटी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आर्यन राज जी को और जितेंद्र जी को, और ऐसा प्यार कहाँ है इसके लिए मेरी बहुत बहुत बधाई है उनको। ये फिल्म बहुत अच्छी बने, सुपर हिट हो, आर्यन जी अच्छे डायरेक्टर हैं और मुझे पूरी उम्मीद है ये अच्छी फिल्म बनेगी और सुपर हिट होगी, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मूवी के बारे में आज अच्छा मुहूर्त था, और इनिशियली मैंने पता लगा कि आर्यन राज जी और जो भी टीम है उन्होंने जल्दी से डिसीजन लिया। पंडित जी ने, जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है कि आज शुभ मुहूर्त है, तो आज मुहूर्त किया है और ऐसा प्यार कहाँ। तो मैं आर्यन राज और पूरी टीम को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से कि मूवी का जो शूट है और जो कहानी है वो बहुत बढ़िया तरीके से बने और अच्छे उससे सभी टीम लगी हुई है, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। मूवी मेरी माफिया बिग बॉस आ रही है इस लास्ट मंथ में, प्लानिंग है हमारी रिलीज़ करने की। मेरे साथ में मेरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर, डायलॉग्स, एडिटर्स, सब कुछ दिलीप गुलाटी जी हैं, जिन्होंने मेरा पहली फ्रॉम द बिगनिंग मेरी मूवी आई थी दबंग छोरा और गुरु दक्षिणा, और अभी राज शहनशाह भोजपुरी की मूवी हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी कुछ शूट भी हुआ है। तो दिलीप जी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, मोटिवेटर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि माफिया बिग बॉस मूवी काफ़ी सुपर हिट हो, और अभी हमने ट्रायल भी रखा था तो सभी ने अप्रिसिएट किया, मैं उसके लिए दिलीप जी को थैंक्स देना चाहूँगा कि दिलीप जी ने इतनी अच्छी मूवी बनाई। और साथ में मैं, मेरे छोटे भाई अभी इंट्रोड्यूस हुआ है भाई आर्यन राज से, तो वो भी एक मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं राज मूवी एंटरटेनमेंट, उनकी मूवी भी जैसे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और फर्स्ट उनकी अच्छी प्लानिंग जारी है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना। स्टार कास्ट अभी डिस्क्लोज नहीं की है, स्टार कास्ट अच्छी ही है, न्यू कॉमर्स है, और कुछ जो पिलर्स के तौर पर इंडस्ट्री में लिए जाते हैं उस तरह की प्लानिंग्स करेंगे, तो जो नेक्स्ट इस तरह का प्लानिंग शुरू होगी तो उसमें हम पूरा डिस्क्लोज करेंगे मेरे ख्याल से इस मूवी का, जो स्टार कास्ट का अभी कुछ नहीं कह सकते। माफिया बिग बॉस में मेरा सेंट्रल करेक्टर है, मेन करेक्टर है मेरा माफिया बिग बॉस में, एंड जस्ट लाइक अंडरवर्ल्ड पे मूवी है, तो जैसे एक दाऊद का करेक्टर था उस तरह से करेक्टर है मेरा, एंड बहुत अच्छी मूवी है। फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड की बात करें तो दाऊद, क्या ये फिल्म दाऊद के रिलेटेड है, क्या है मतलब आपका क्या किरदार है, मतलब कोई रियल घटना अंडरवर्ल्ड डॉन के रिलेटेड है, कुछ बताइए। मूवी सर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, ये मूवी जो है ये 1946 से लेके 1986 तक की अंडरवर्ल्ड की गैंगस्टर्स की कहानी है। बिफोर आज़ादी से पहले से ये अंडरवर्ल्ड था यहाँ पे, उसको हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने किए हैं, कुछ रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, कुछ फिक्शन है, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर मेकिंग अ कमर्शियल सिनेमा, यू हैव एंटरटेनमेंट आपको ऑडियंस को देना है, तो कुछ उसमें काफ़ी अपना रियल फैक्टर्स हैं और कुछ फिक्शंस भी हैं। तो ऐसा कोई जो आप कह रहे हैं अंडरवर्ल्ड, तो कौन सा एक माफिया है वो जो उसका नाम बताना चाहिए जिसको लेके आप बना रहे हैं? नहीं देखिए, इसमें मैंने टोटल माफिया को पकड़ा है कि एग्जैक्टली ऑडियंस को ये पता चले कि वॉट इज़ माफिया, और इधर जो गैंगस्टर, जो अंडरवर्ल्ड, जो गैंग वॉर चला, वो गैंग वॉर कैसे शुरू हुआ और कहाँ पर जाके ये ख़त्म हुआ, तो उसको हमने बेस करके बनाया है। पर्टिकुलर कोई एक कैरेक्टर को हमने नहीं पकड़ा है, द आवर फिल्म इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रियल कैरेक्टर इन द फिल्म। तो कब तक इसकी शूट शुरुआत होगी उसके बारे में कुछ बताइए? ये द फिल्म इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड, फिल्म इज़ सेंसर्ड,
और इसी महीने के आखिर में या अप्रैल में फिल्म रिलीज होगी। ऑल ओवर इंडिया रिलीज होगी, इवन ओवरसीज मार्केट में भी रिलीज होगी। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। अब लास्ट तो रहता है पब्लिक का रिस्पॉन्स। ट्रेलर वी हैव ऑलरेडी लॉन्च, ट्रेलर हमने लॉन्च किया है, फिर हमने प्रमोशन शुरू किए। वी स्टार्टेड फ्रॉम दुबई, दुबई में हमारा फर्स्ट प्रमोशन हुआ था, उसके बाद सेकंड प्रमोशन हमारा धारावी, एशिया का जो सबसे बड़ा स्लम्स है गैंग वॉर जहाँ बहुत चला, वहाँ पे हमने किया। अब हम तीसरा प्रमोशंस यहाँ पे करने वाले हैं बॉलीवुड में, तो इस तरह से सिलसिला शुरू है और होपफुली अप्रैल तक फिल्म ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज होगी। फिल्म क्या मैसेज देना चाहती है इसके बारे में? मैसेज ये है कि देखो क्राइम करने वाला सोचता है, कि अपना एक मैंने कैप्शन इसमें दिया है कि दे बिलीव्ड क्राइम ऑलवेज पेज। लगता है कि क्राइम करने से हमें बहुत मुनाफा होगा, हमें फ़ायदा हो जाएगा, हम बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में। लेकिन मेरा मैसेज ये है कि क्राइम नेवर पेज। सर, जैसे कि आपका अंडरवर्ल्ड का किरदार है, तो आर यू इम्पल्सिव? आप कितने मतलब उस वक्त हो गए जब आपने रोल किया रहा होगा, मतलब कुछ ऐसी कोई नेगेटिविटी आई आपको कुछ उस वक्त रोल करते वक्त? रोल में खो जाना ही सबसे बड़ी बात होती है, जो किरदार आपके लिए डायरेक्टर लिखता है आपको देख के। एंड ये आर्टिस्ट का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि किस आर्टिस्ट को आप जीना चाह रहे हो, आपका रोल क्या है। तो वो मैंने बखूबी निभाया है और अभी मेरे लिए खुशी की बात भी है, जो हमने ट्रायल रखा, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो मेरे खुद डायरेक्टर एंड जो मेरे साथी थे, सब ने अप्रिसिएट किया करेक्टर को, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।